हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी में फर्स्ट यूनिट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। एक दो लेक्चर्स और होंगे जहाँ के बाद आपके ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ICBMs की रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर। ICBMs की जो रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि कोई भी अगर काम होता है तो उसका कुछ ना कुछ रूल्स होता है, कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशंस होते हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिक पे वो काम करता है। जैसे कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा के देख लीजिए, कोई भी फैकल्टी उठा के देख लीजिए, कोई भी संस्था उठा के देख लीजिए, उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इनफैक्ट हमारी रियल लाइफ के भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करके एक इंसान अपनी लाइफ को मतलब कि उसको जीता है। तो ICBM एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको एक बार इसका फुल फॉर्म बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेन कल्चर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल आई मतलब इंटरनेशनल, सी से कोड, बी से बॉटनिकल, एन से नोमेन कल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेन कल्चर। तो आज हम देखेंगे कि जो ICBMs हैं इसको अब क्या कहा जाता है। ICBM पुराना नाम है, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज ICN। ICN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ICN होता है, ICBN होता है, ICZN होता है। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ICN के जो है वो दो ग्रुप होते हैं, वो एक ICBN होता है और एक ICZN होता है। मैंने आपको एक बार ये चीज़ बताई थी जो कि फ्लो में थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी, हालांकि कंप्लीट गलत नहीं थी, लेकिन ICN जो है वो ICBN नहीं हो रहा है। ICBN मतलब वो प्लांट का तो आइडेंटिफिकेशन करता ही है, उसके साथ ये फंगी के साथ साथ जो प्रोटिस्ट है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, कौन से फोटोसिंथेटिक, उनका और फिर बहुत सारे जो है नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का भी नॉमन कल्चर करता है। तो इसलिए जो है नाम चेंज करके, क्योंकि पहले जो था वो बॉटनिकल नॉमन कल्चर था, लेकिन बॉटनी वर्ड कहाँ यूज होता है, प्लांट के लिए, तो प्रोटेस्टेंट्स और जो भी और अदर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये वर्ड सुटेबल नहीं था, इसलिए ICBN को नाउ इट इज कॉल्ड एज ICN। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया है ICBN, फुल फॉर्म्स दिया है, यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेन कैलेचर होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ICBN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन कल्चर। ICN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर, मतलब कि ICN गेव, जो ICN अब नाम देता है वो फंगी, एल्गी, प्लांट्स एंड कुछ प्रोटेस्टेंट्स को भी नाम देता है। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन कल्चर, ये प्लांट को नॉमन कल्चर में हेल्प करता है। ICN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर, ये पहले जिसको ICBN कहते थे उसमें कुछ और चेंजेस हुए, अब उसका नाम जो है ICN पड़ गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर। बॉटनिकल वर्ड हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, क्योंकि पहले ये जो व्यवस्था थी, ये जो संस्था थी, सिर्फ प्लांट के आइडेंटिफिकेशन पे काम करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने फंगी को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि फंगी तो प्लांट है नहीं, उनका एक अलग किंगडम है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स को इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए इनका जो एरिया है वो वास्ट हो गया, वो थोड़ा विस्तृत हो गया, इसलिए हम लोग ICBN में से बी हटा के सिर्फ ICN छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसका जो नया नाम है वो क्या है, ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर। कुछ फुल फॉर्म्स मैं आपको और दिखाती हूँ, और फुल फॉर्म में क्या है, ICNB क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर फॉर बैक्टीरिया। ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमन, कोड ऑफ नॉमन कल्चर फॉर बैक्टीरिया। जो संस्था बैक्टीरिया के नॉमन कल्चर पे वर्क करती है उसको कहते हैं ICNB,
और जो संस्था वर्क करती है वायरस के नॉमन कल्चर पे उनको कहते हैं ICVN, ICVN, और जो संस्था वर्क करती है नॉमन कल्चर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट के लिए उनको कहते हैं ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो इनमें से किसी के ऊपर ICN वर्क नहीं करता, ना तो बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, ना जो है वायरस के ऊपर काम करता है, ना ही कल्टिवेटेड प्लांट के ऊपर ये वर्क करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ICBN का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है, ICBN के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, उसके बाद एग्जैक्ट इसका प्रिंसिपल्स क्या है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो क्या दिया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन कल्चर गिव नेम फॉर एल्गी फंगी प्लांट फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंस एंड टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप एंड फॉर फॉसिल्स ऑल्सो। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनकल्चर है वो क्या करता है, वो नेम देता है किसको, एल्गी को, फंगी को, प्लांट को, फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट को, मतलब ऐसे प्रोटेस्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप, और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप को भी नाम देते हैं, और कुछ फॉसिल्स जो फॉसिल्स मिलते हैं प्लांट वगैरह के उनके भी नॉमनकल्चर पे ICBN जो है काम करता है। तो इसका जो एरिया है वो काफी ब्रॉड हो चुका है। रूल ऑफ ICBN इज बेस्ड बायनोमियल नॉमनकल्चर गिवन बाय लीनियस। जो रूल्स लीनियस जी ने दिया था नॉमनकल्चर के लिए वही रूल फॉलो करता है क्या ICBN। इनका क्या क्या रूल था, किसी को याद है लीनियस का जो रूल्स था वो क्या क्या था? उनका रूल ये था कि बायनोमियल नॉमन कल्चर में दो नेम होंगे, पहला उसके जीनस को बताएगा, दूसरा उसके स्पीसीज को बताएगा। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में और स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल में होगा। वर्ड हमेशा लैटिनाइज्ड होंगे और उसको अगर हम लिखते हैं तो उसको शायद थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे इटैलिक में, या फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये सारे कुछ रूल्स थे जो कि बायनोमियल नॉमन कल्चर में लीनियस जी ने दिया था। यही सारे रूल्स को फॉलो करता है ICBN। उसके बाद क्या दिया है, डी कैंडिलो, ये एक साइंटिस्ट था, डी कैंडोल। देखिए मेन काम जो बायनोमियल नॉमन कल्चर का था, जो ये रूल्स वगैरह दिए थे वो तो लीनियस ने दिया था, लेकिन उसको प्रॉपर वैलिड पब्लिकेशन कराने का, उसके पीछे इनके बाद उसके पूरा वर्क करने का, उसको वेल पब्लिश्ड करने का, उसको वेल एस्टेब्लिश्ड करने का जो क्रेडिट जाता है वो डी कैंडोले को जाता है। ये एक साइंटिस्ट था जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टैक्सोनॉमी के ऊपर। जब आप लोग ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में आपको क्लियर पढ़ना होगा। तो इन्होंने क्या किया था, 1813 डिटेल अकाउंट ऑफ नॉमन कल्चर, इन्होंने नॉमन कल्चर का जो है डिटेल अकाउंट किया था, मतलब पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी, और इसके कुछ जो है अधिवेशन भी, सम्मेलन भी करवाए थे, एंड फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस इन पेरिस। सबसे पहले जो इंटरनेशनल कांग्रेस वो हुई थी पेरिस में, वो 1867 में हुई थी बाय डी कैंडोले, कॉल्ड उसको क्या कहते हैं, पेरिस कोड कहते हैं या डी कैंडोले रूल कहते हैं। देखिए क्या हुआ था कि लीनियस ने अपना रूल्स वगैरह दे दिया, बट उसके बाद जो आगे का काम आगे किसने बढ़ाया, आगे का काम इनके जो काम को आगे किसने बढ़ाया, डी कैंडोले ने बढ़ाया। इन्होंने सबसे पहले जो है पेरिस में इंटरनेशनल कांग्रेस बैठक कराई थी पेरिस में, और उसको क्या कहते हैं, पेरिस कोड कहते हैं या फिर कहते हैं डी कैंडोले रूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या है ICBN, ICBN एक ऐसी संस्था है जो कि प्लांट, एल्गी, फंगी, फॉसिल्स, यहाँ तक कि और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम देने पे काम करती है। इसका जो रूल है वो बायनोमियल नॉमन कल्चर पे डिपेंडेंट है। बायनोमियल नॉमन कल्चर में जो लीनियस ने रूल दिया था वही इन्होंने मतलब कि आगे बढ़ाया। डी कैंडोले ने बायनोमियल नॉमन कल्चर को स्टेब्लिश करने में, ICBN को वेल स्टेब्लेट करने में बहुत अच्छा वर्क किया था। उन्होंने सबसे पहले जो है इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन करवाया था पेरिस में, और इसलिए उसको कहते हैं पेरिस कोड या फिर डी कैंडोले रूल्स कहते हैं। याद हो गया, आगे चलते हैं। ICBN के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में तो आगे देखना ही है। ICBN सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटनिकल नेमिंग। जो ICBN है वो सेट है रूल्स का, रिकमेंडेशन का, कोई अलग चीज नहीं है। ICBN जो है वो सेट है, एक समूह है किसका, रूल्स का और रिकमेंडेशन का, डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटनिकल नेमिंग। जो फॉर्मल बॉटनिकल नेमिंग होती है, जो नियमतः बॉटनिकल नेमिंग होती है, उसके रूल्स और रिकमेंडेशन का एक जो है फॉर्मल जो है वो है
फॉर्मल के ऊपर जो है कि रिकमेंडेशन, उसके जो रूल्स एंड रिकमेंडेशन है उस पर काम करने वाली एक संस्था है, दैट आर गिवन टू प्लांट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी। जो ICBMs का वर्क है वो किस पर डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने 2010 में किसी प्लांट का कुछ नाम दिया था, मान लीजिए किसी प्लांट को उन्होंने डिस्कवर किया, उसका नाम एक्स दे दिया, ठीक है, तो इन्होंने अपना जो काम जाके पब्लिश करवा दिया, वैलिड पब्लिकेशंस वहाँ पे हो गए कि ये हो गया कि इस प्लांट का नाम इसने दिया था। उसके बाद कोई साइंटिस्ट आता है 2015 में, वो उसी प्लांट का कुछ और नाम दे देता है, उसी प्लांट का कुछ और नाम दे देता है, और उसको पब्लिश कराने जब जाएगा तो फिर पहले पता चलेगा कि इस प्लांट, अगर मान लीजिए पब्लिश हो भी जाता है, एक्चुअल में तो पब्लिश होना नहीं चाहिए, बट कभी मान लीजिए बाई चांस पब्लिश भी हो जाता है तो पता चलता है कि जो इस प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले भी 2010 में इस साइंटिस्ट ने दी थी, जिसका नाम उन्होंने ये दिया था, तो इनका जो नाम था उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिन्होंने पहले नाम दिया था उनके नाम को एक्सेप्ट ही रखा जाता है, अगर वो नाम रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से सही है तो। अगर मान लीजिए 2010 में जो नाम दिया था वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ा गलत है, तो जो नई वाला नाम रहेगा, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, उसी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ये नाम सही है, पब्लिश सही से हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो जो नाम पहले दिया गया है उसी को जो है प्रायोरिटी मिलेगी और उसी नाम को जो है कि एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी जो रूल्स है सो कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटीज, के बारे में डिटेल में हमको आगे पढ़ना है। फिर क्या दिया है? All chains or rules are controlled by International Botanical Congress with the International Association for Plant Taxonomy. जो भी rules इसके बनाए गए हैं वो control कौन करता है? International Congress, International Botanical Congress, International Botanical Congress जो है ये सारे rules और regulation को क्या करते हैं? Control करते हैं। किसकी सहायता से? International Association for Plant Taxonomy, International Association for प्लांट टेक्सोनॉमी जो संस्था है वो, और प्लांट इंटरनेशनल बॉटनिकल जो कांग्रेस है, दोनों मिलके रूल्स और रेगुलेशन को जो है कि फॉलो करते हैं, उनका जो है कि कंट्रोल करते हैं। फॉर बॉटनिकल कल्चर एक्सपर्ट्स रिक्वायर, जो बॉटनिकल नॉमेन कल्चर एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड सेवरल ईयर ऑफ स्टडी नॉलेज ऑफ लैटिन इज ऑल्सो एसेंशियल। जो कोई भी अगर नाम देता है बॉटनिकल किसी भी प्लांट का, तो उसको लैटिन लैंग्वेज आनी चाहिए, ये मस्ट है, उसको लैटिन लैंग्वेज अगर आएगी तभी तो वो लैटिन में नाम दे पाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो है कि उसको बॉटनी के फील्ड में कई साल जो है प्रैक्टिस होने चाहिए, कई साल उसके बाद टैक्सोनॉमिक से रिलेटेड उसको कई साल से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उनके जो नाम्स होते हैं उसको पब्लिश किया जाता है। वो तो थे सिंपल से जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं ICN के, जैसे कि हम लोग ICBN कह रहे थे उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इसके 6 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, 6 प्रिंसिपल्स आपको ICN के बारे में पढ़ने हैं। देखते हैं आज की वीडियो में कितना हो पाता है, जो नहीं हो पाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो बाई ICN गिव सम प्रिंसिपल्स गिवन फॉर नॉर्मन कल्चर प्लांट फंगी एल्गी, और भी जो था फोटोसिंथेटिक वगैरह वगैरह, वो सारे के नेम जो है कि इसके प्रिंसिपल के हिसाब से दिया जाता है। 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि ICN के द्वारा दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं आपको जो प्रिंसिपल नंबर 1 पढ़ाऊंगी, अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रिंसिपल नंबर 1 ऑफ ICN को डिफाइन करिए, तो आप वही प्रिंसिपल बताएंगे। ये नहीं कि याद करने के चक्कर में पहला वाला तीसरा कर दिया, तीसरा वाला दूसरा कर दिया, चौथा वाला पहले पे कर दिया, पहला वाला पांचवें पे कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जो पोजीशन जो प्रिंसिपल का जो रहेगा आप उसको वहीं पे रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स आपको नंबर फर्स्ट पे पढ़ा जाएगा उसको हमेशा नंबर फर्स्ट पे ही याद रखेंगे, जो सेकंड पे पढ़ा जाएगा उसको सेकंड पे, जो थर्ड पे वो थर्ड पे, जो फोर्थ, क्योंकि प्रिंसिपल्स का जो नंबर है वो ऑर्डर वो कभी चेंज नहीं होता। आप रूल्स को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स अगर किसी का कुछ है तो उसको भी चेंज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल्स में क्या दिया गया है कि बॉटनिकल नॉर्मन कल्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉर्मन कल्चर। जो बॉटनिकल नॉर्मन कल्चर है उसका जूलॉजिकल नॉर्मन कल्चर से या फिर बैक्टीरियल नॉर्मन कल्चर से कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना अलग अपना काम देखेंगे, अपना अलग रूल बनाएंगे, ये अपना अलग करेंगे। ये पहला रूल है। उसके बाद क्या है? पहला प्रिंसिपल्स है, ऑलवेज अप्लाइड इक्वल टू द नेम ऑफ ग्रुप वेदर और नॉट दोज ग्रुप और ओरिजिनली टू दैट ग्रुप। देखिए
पहला मेन क्या था कि ICBM जो था वो मेनली बॉटनी के फील्ड में काम करता था, लेकिन आज हमने क्या देखा कि वो नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर नाम देता है। तो वो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे, अगर ICBM के द्वारा अगर नाम दिया जाता है तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबके लिए रूल्स सेम होंगे, चाहे वो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोटिस्टियंस हो, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक हो, सबके लिए समानता का नियम, सबके लिए सेम रूल फॉलो होगा ICBM के द्वारा। ये चीज यहां पे दी है। अगर आपको एग्जांपल देना हो कि कैसे कैसे जो है वो ICBM डिफरेंट है, मतलब ICBM इंडिपेंडेंट है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से या फिर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर से, अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं टोटोनेम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका मतलब क्या कि टोटोनेम्स क्या होते हैं, टोटोनेम्स ऐसे नेम्स होते हैं जहां पे जीनस एंड स्पीसीज, किसी भी ग्रुप का जीनस और स्पीसीज जो होता है वो सेम होता है। सेम होने का क्या मतलब है कि अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ किंग कोबरा का या फिर इंडियन कोबरा का तो इसका नाम होता है नाजा, मतलब कि इसका बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम सेम है। रैट को कहते हैं रैटस, रैट को क्या कहते हैं रैटस, इसका मतलब कि इसका जीनस और स्पीसीज सेम है। तो ऐसी चीजें सिर्फ जूलॉजी में देखने को मिलती हैं। टोटोनेम जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स में है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में ये एक्सेप्टेड नहीं है। आपने कोई भी ऐसा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में नेम नहीं पढ़ा होगा जिसमें जीनस और स्पीसीज सेम हो, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ICBM में जो चीजें हैं वो जूलॉजिकल से डिफरेंट है, इसको प्रूफ करने के लिए एक हमने मैंने आपको एग्जांपल बताया जिसमें किंग कोबरा का एग्जांपल बताया कि इसका नाम नाजा होता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। फॉर एग्जांपल टोटोनेम आर नॉट एक्सेप्टेड इन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो टोटोनेम्स होते हैं वो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, वेयर एज इट इज कॉमन इन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जबकि ये कॉमन होते हैं कहाँ पे, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, लाइक नाजा नेम गिवन फॉर इंडियन किंग कोबरा इन जूलॉजी, जैसे कि नाजा रैटस, ये सारे नाम जो हैं जूलॉजी में दिए जाते हैं जबकि बॉटनी में ये रूल्स जो हैं फॉलो नहीं होते हैं। उसके बाद बट नो टोटोनेम नेम शुड बी फाउंड इन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मीन नेम ऑफ जीनस और स्पीसीज आर सेम। टोटोनेम्स का मतलब क्या होता है, जीनस और स्पीसीज का नेम सेम हो, ऐसा हमको बॉटनी में नहीं देखने को मिलता। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ये जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में देखने को मिलती है। इससे ये डिफाइन होता है कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स और रिकमेंडेशन होते हैं वो जूलॉजिकल या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल से अलग होते हैं, उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइपिफिकेशंस क्या होते हैं, देखिए टाइपिफिकेशन का मतलब क्या कि अगर कोई भी ग्रुप का किसी भी टैक्सॉन का नाम दिया जाता है तो उस टैक्सॉन का नाम उसी ग्रुप के किसी स्पीसीज से, किसी मेंबर से, किसी जीनस से आया रहता है। जैसे आपने किसी फैमिली का नाम दिया तो उस फैमिली का नाम उसी ग्रुप के, उसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से कोई जो स्पेसिफिक प्लांट है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है, उसके नाम से डेरिवेटिव किया जाता है। तो वही चीज़ दिया है, द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मीन ऑफ टाइप कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइप कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो नाम देंगे वो नाम उसी ही ग्रुप के, उसे ही टैक्सॉन के किसी मेंबर से लिया रहा होगा। इट मीन्स द नेम ऑफ एनी टैक्सॉन इन टैक्सोनॉमिक ग्रुप बाय गिवन बाय एनी टाइप कॉन्सेप्ट, टाइप कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही नाम दिया जाता है। एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल में क्या दिया है, एस्टरेसी फैमिली। आप लोग जानते हैं कि एस्टरेसी फैमिली कौन सी फैमिली होती है, एस्टरेसी फैमिली होती है आपकी सनफ्लावर वाली फैमिली, जिसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है वो वाली फैमिली। तो सनफ्लावर में एस्टरेसी नाम कहाँ से आया है, इसका एक जीनस होता है जिसे कहते हैं एस्टर, तो एस्टर जीनस से नाम आया है एस्टरेसी। सेकेंड में क्या है, सोलेनेसी नाम दिया है, सोलेनेसी क्या है, पोटैटो वाली फैमिली आलू वाली। तो जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें सोलेनेसी नाम कहाँ से है, सोलेनम से, सोलेनम वर्ड यूज किया जाता है पोटैटो के लिए।
ठीक है, तो सोलेनम वर्ड आया है सोलेनेसी में। तो मतलब कि जो भी नाम दिया गया है वो उसी ग्रुप के किसी मेंबर से उठाया गया है। रोजेसी क्या है, ये रोज फैमिली है, ये रोज फैमिली है। तो रोज फैमिली में रोजा साइनेंसिस जो है वो रोज का नाम है, तो रोजा वर्ड आता है रोजेसी में, तो इसलिए रोजेसी फैमिली का नाम रोजा पे लिया गया है, रोजेसी। मॉलवेशी फैमिली क्या है आपकी, ये हिबिस्कस वाली फैमिली, हिबिस्कस वाली जो फैमिली है इसका एक मेंबर होता है मालवा, जिसके नाम पे पड़ा है मॉलवेशी फैमिली। मतलब कोई भी नाम अगर आप बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में देते हैं तो वो नाम कहीं ना कहीं उस मेंबर से कहीं ना कहीं से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे उसमें पाए जाने वाले किसी केमिकल से रिलेटेड हो या किसी मेंबर के नाम पर रिलेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, टाइपिफिकेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटीज क्या होते हैं। Sometimes it is found that for some taxa have more than one name given by different scientists. बहुत बार ऐसा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी वैरायटी है प्लांट की, एनिमल्स की इस धरती पे। तो कभी कभी क्या होता है कि उसी प्लांट को मान लीजिए इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने उसको कुछ और नाम दिया और फॉरेन के किसी और साइंटिस्ट ने उसको कुछ और नाम दे दिया, तो हमने जिस लिए बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बनाया था वही फ्लॉप हो गया। हमने बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया था, क्योंकि अगर इंडिया में बैठा हुआ कोई आदमी अगर रोजा साइनेंसिस कहता है तो फॉरेन में भी बैठा हुआ कोई आदमी समझ सके कि रोजा साइनेंसिस का मतलब क्या है, उसके यहाँ भी रोजा साइनेंसिस का मतलब वही है, अलग अलग नाम ना हो, इसीलिए तो हमने नॉमेनक्लेचर बनाया था। अब भैया फिर से वही बात आ गई कि इंडिया के साइंटिस्ट ने कुछ और नाम दे रखा है, वहाँ के साइंटिस्ट ने कुछ और नाम दे रखा है, दोनों को पता नहीं कि दोनों ने नाम दे रखा है, लेकिन नाम तो दिया गया है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि किसी एक ही प्लांट के अलग अलग जगह से अलग अलग नाम रखे गए हैं, तो उसमें कौन सा नाम मतलब कि कौन सा नाम, अगर जब बाद में पता चल जाता है कि अच्छा सेम प्लांट के लिए दो अलग अलग नाम आ गए हैं, तो अब बात आती है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर दोनों नाम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कंप्लीटली, तब तो ये बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी वाली। लेकिन अगर रूल्स और रेगुलेशन में कोई दिक्कत है, मान लो किसी का नाम थोड़ा बहुत गलत है, तो उसको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वो पहले पब्लिश करे चाहे वो बाद में पब्लिश किया हो। लेकिन अगर दोनों के नाम सही हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी में क्या करेंगे, हम पहले उस प्लांट के बारे में जो है कि देखेंगे कि जो पहला ऑथर था उसने कब पब्लिश किया था। नाम देने से मतलब नहीं है, नाम पब्लिश कब हुआ था, नाम जो है पहला पब्लिश कब हुआ था, और जो दूसरा वाले साइंटिस्ट है, मतलब जो दोनों साइंटिस्ट है, पहले वाले या दूसरा वाला कोई भी पहला हो सकता है, तो उनका कब पब्लिश हुआ था। अगर मान लीजिए एक का पब्लिश हुआ था 2010 में और दूसरे का पब्लिश हुआ था 2005 में, तो इसका मतलब ये वाले जो साइंटिस्ट है सेकंड वाला, इनका नाम एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि इन्होंने पहले बताया था। यही रूल है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जिसने पहले काम किया उसी को ही एक्सेप्टेंस दी जाएगी, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट मीन्स द नेम गिवन बाय फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ICBN, जिन्होंने ICBN के अकॉर्डिंग पहला रूल नाम दिया था, रूल दिया था, उनको ही एक्सेप्ट कर दिया जाएगा एज अ करेक्ट नेम, सही नाम के तौर पे। लास्ट डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी इज 1 मई 1753 को दिन ऐसा क्या हुआ था, इसी दिन जो है कैरोलस लिनियस ने अपना रूल दिया था, अपना जो है कि स्पीसीज प्लांटेरियम जो बुक पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने प्लांट की सबसे पहले बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर किया था, वो बुक पब्लिश हुई थी 1 मई 1753। तो अगर किसी ने 1 मई के पहले 1753 के पहले कोई नाम दिया है अगर, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसके पहले ये कोई रूल ही नहीं बना था कि आप ऐसा कोई नाम दें। तो उसके बाद ही नाम बना है, उसके बाद ही रूल बना है, तो उसके बाद जितने भी नाम दिए उसको प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो करते हुए, अगर कभी ऐसा होता है कि किसी एक प्लांट को दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो जो उसने पहले दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब वो नाम पूरी तरीके से पब्लिश्ड होगा। उसके बाद आपका जो चौथा, जो आपका फोर्थ आता है वो है यूनिकनेस। इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम द अर्लीस्ट दैट इज अकॉर्डिंग विद द रूल्स एक्सेप्ट द स्पेसिफिक केस। जो यूनिकनेस है इसका मतलब कि जो हर ग्रुप है, हर टैक्सोन है, उसका जो है कि एक अपना करेक्ट नेम होना चाहिए, वो कभी भी किसी भी ग्रुप से, कभी भी किसी भी टैक्सोन से मैच नहीं करना चाहिए। हर ग्रुप अपने आप में यूनिक होना चाहिए, वो अपनी पोजीशन हो, उसकी रैंक हो, हर चीज़ के लिए उसका अपना एक यूनिकनेस
होना चाहिए। ये रूल्स जो है रूल्स नंबर 4 में दिया था। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ रूल है लैटिन डायग्नोसिस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ICBN में अपना नाम देना चाहता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई ऑथर है, तो उसको लैटिन लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो प्रिंसिपल 5 है इसके अनुसार साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डिंग दियर डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव। मतलब कि क्या करते हैं कि अगर कोई भी वर्ड यूज करना है टैक्सोनॉमी में, तो वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए वर्ड कहाँ का? लैटिन का वर्ड होना चाहिए, वो वर्ड लैटिन भाषा से लिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो वर्ड लैटिन का नहीं होता है, अगर वो वर्ड लैटिन का नहीं होता, मान लीजिए इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड को आपको लैटिनाइज्ड करना होगा, लैटिनाइज्ड करना होगा, जिसकी वजह से आप जो है उसको, आपको लैटिन की नॉलेज होगी, तभी तो आप किसी वर्ड को किसी वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है 5 कि आपका जो वर्ड हो वो लैटिन में होना चाहिए। अगर लैटिन नहीं होता तो हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव्स यूज करेंगे लैटिन भाषा की, मतलब किसी भाषा को लैटिन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या है? रेट्रो एक्टिविटी। रेट्रो का मतलब होता है कि पुराने टाइम से जो चली आ रही चीज़ें हैं उसको समय समय पे परिवर्तित करना। क्या दिया है? द रूल ऑफ नॉमन कल्चर आर रेट्रो एक्टिव, इट मीन्स विद द टाइम रूल्स और चेंज। जैसे जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन 1753 में बने थे उसमें कुछ चेंजेस हुए जो कि बाद में हुए, उसके बाद समय के अनुसार, नियम के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कुछ और चेंज हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो रूल्स बन गया वो बन गया, फिक्स्ड है, वो चेंज होता है। जैसे हमारे संविधान में जब उस टाइम जो कंडीशन थी उस हिसाब से रूल्स बनाए गए, लेकिन समय समय पे उसमें रूल्स में संशोधन किया जा रहा है। उसी तरीके से ICBNs के भी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसमें समय समय पे परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये जो है मेन 6 रूल्स थे, मतलब 6 प्रिंसिपल्स थे जो कि ICBNs द्वारा दिए गए थे। पहला प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल क्या था? स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला प्रिंसिपल्स। सेकेंड प्रिंसिपल क्या था? टाइपिफिकेशन। थर्ड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। फोर्थ क्या है? यूनिकनेस। फिफ्थ क्या है? लैटिन डायग्नोसिस। और सिक्स क्या है? रेट्रो एक्टिविटी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक स्लाइड दिखा देती हूँ। यहाँ पे नॉमन कल्चर होगा, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया था, ये ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर रोक रोक के पॉज करके ले लिया होगा तो ले लिया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना कंप्लीट करते हैं। कल की वीडियो से हम लोग देखेंगे रूल्स क्या है ICN के, तो रूल्स में हम लोग देखेंगे उसमें मेरे को पढ़ना है वैलिड पब्लिकेशन कैसे होता है, ऑथराइजेशन कैसे होता है, मतलब कि अगर आपने नाम दिया तो आपको कैसे कैसे पब्लिश कराना है कि पता चले कि आपने पब्लिश कराया है, उसका आपको नाम कैसे देना, जैसे कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर अगर किसी का नाम दे दिया तो उसमें मेरा नाम आएगा कि उसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, और अगर किसी ने पहले से नाम दिया उसमें कुछ गलत है, मैं कुछ करेक्ट कर रही हूँ, तो किसका नाम आएगा। तो ये सारे रूल्स हम लोग किसमें पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ ICBNs के बारे में कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, खत्म करते हैं इस वीडियो को जिसमें कि हमने प्रिंसिपल पढ़ा और जनरल जो है ICBN के बारे में इंफॉर्मेशन ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ द रूल्स ऑफ द ICBNs।